हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम, कैसे हो आप सभी। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। प्यारे साथियों, हाउ टू फिल ऑनलाइन फॉर्म, यूजीसी नेट का फॉर्म हम कैसे फिल करेंगे ऑनलाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूं कि आपको एनटीए यूजीसी नेट का जो 2021 का जो फॉर्म आया है, जिसमें दिसंबर 2020 और जून 2021 का जो फॉर्म आया है साथियों, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे हम भरेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाइश ना रहे। आपकी वेबसाइट दिख रही होगी साथियों यूजीसी की, इससे हम भरना है हमको फॉर्म। तो कैसे भरेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, फोटो का साइज क्या रहेगा, इस बार पिछली बार की तुलना में क्या बदलाव आए हैं, इन सब के बारे में आगे इस वीडियो में बात करते रहेंगे। लेकिन मैं प्रारंभ में आपको थोड़ा सा बतला दूं, भाई साहब मेरा नाम डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा है। अनअकैडमी पर आप मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से सर्च कर लेना, वहां पर मैंने आप सभी के लिए जेआरएफ तांडव नाम की सीरीज चला रखी है। क्या साथियों, जेआरएफ तांडव नाम की नई सीरीज चलाई है, जिसमें 10 बजे रोज पेपर वन की क्लास होती है। और खास बात बताऊं, प्रत्येक यूनिट को 5-5 दिन में कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी आईसीटी चल रही है, उसके बाद में संचार चलेगा, कम्युनिकेशन, उसके बाद में हायर एजुकेशन चलेगा। ऐसे 50 दिन में पेपर वन को कंप्लीट करवा रहा हूं, निशुल्क है। पहली बार क्लास देखोगे आप तो आपको लोकेश 11 रेफरल कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, जिससे सारी क्लासेज आपके लिए फ्री हो जाएंगी। तो ये दो क्लास अब मेरी चलेंगी जेआरएफ तांडव सीरीज में, तो आप अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास देखना मत भूलना प्यारे साथियों। तो ये मेरी प्रोफाइल है डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, जाओ और मुझे वहां पर फटाफट से फॉलो आप कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लो और गोल सेलेक्ट कर लो। अब मैं सारी डिटेल आपको वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। अच्छा, अब मैं आपको बतला देता हूं कैसे हम फॉर्म को फिल करेंगे। मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं क्योंकि जो डेटा है वो मुझसे हाइड हो जाएगा बहुत सी फिल करने वाली चीजों में, तो मैं आपको दिखूंगा आप वीडियो के लास्ट में, तब तक स्क्रीन रिकॉर्ड होती रहेगी। तो मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूं। आज के वीडियो हम जानेंगे कि भाई साहब, आप एनटीए यूजीसी नेट 2021 का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप अपने फॉर्म को कैसे भरेंगे। तो आपको गूगल पर केवल यूजीसी नेट लिख देना है, उसके बाद में UGCNET.NTA.NIC.IN ये वेबसाइट खुल जाएगी, आपको इस पर ओपन कर लेना है। सबसे नीचे आ जाना है, यहां पर लिख रखा है एप्लीकेशन फॉर्म यूजीसी नेट दिसंबर 2020 एंड जून 2021 वाला, उस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में साथियों न्यू इंटरफेस आपके सामने यहां पर आ जाएगा, उसके बाद में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। अगर आपने पहले कभी फॉर्म नहीं भरा है, मान लो कि आपने दिसंबर 2020 वाला फॉर्म नहीं भरा है और आप जुलाई 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको यहां पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको फीस दिखाई देगी। आपको चाहो तो आप ज्यादा से ज्यादा डिटेल आप यहां पर देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको फीस दिखाई देगी, जनरल कैटेगरी के लिए 1000 है, एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है, एसटी एससी के लिए 250 रुपए की फीस आपको यहां पर रखी गई है। प्यारे साथियों, आप आगे बढ़िए और सबसे पहले एक बार इसको इसका फोटो ले लेना, इसको नोट करके रख लो भाई। आपका जो सिग्नेचर है उनकी साइज कितनी होने वाली है, उसकी साइज फोटो की साइज 200 KB, सिग्नेचर की साइज 330 KB होने वाली है। तो ये चीज याद रखना, आगे काम आने वाली है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं और इस पर कर देते हैं टिक यहां पर, और क्लिक टू हियर प्रोसीड पर हम क्लिक कर देते हैं। कर दिया क्लिक। सबसे पहले आपको यहां पर डिटेल भरवाएगा, अपना नाम लिख दीजिए सबसे पहले। जैसे मैं लिख देता हूं LOKESH लोकेश BALI, आपको नीचे लिख देना है। जैसे फादर के नाम में मैं लिख देता हूं पापा, केवल पापा। मां के नाम में मैं मां लिख देता हूं, क्योंकि डेमो वीडियो है, क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है, मैं पीएचडी भी हूं और बहुत सी चीजें मैंने लाइफ में पढ़ने पढ़ाने के क्षेत्र में कर रखी हैं। तो मान लो कि हम थोड़ा सा एक आइडिया के आधार पर यहां पर चीजें फिल कर देते हैं। कर दिया। जेंडर ले लेते हैं, मेल कर दिया है, आप फीमेल हैं तो फीमेल कर लीजिए। एक आपको आइडेंटिटी टाइप करना है साथियों, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी चीज यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है इनमें से। और जैसे मैं पैन कार्ड को सेलेक्ट करके यहां पर अपने पैन कार्ड के नंबर डाल देता हूं, ठीक है। ओके, ये मेरे पैन कार्ड के नंबर नहीं है, बस ऐसे ही डाला है, यू डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालनी है, ये वो डिटेल डालनी है
जहां पर आप वर्तमान में रहते हो, यानी कोई भी लेटर अगर एनटीए की तरफ से आता है तो आपको यहां पर मिल जाए। जैसे मैं रहता हूं दिल्ली द्वारका, जैसे द्वारका में रहता हूं मैं, और जैसे कि आ गया न्यू दिल्ली, मैं वैसे ही भर रहा हूं तो आप भी लगा लीजिए आइडिया। ओके, कंट्री इंडिया, अपना कुछ सेलेक्ट कर लीजिए यहां पर, आपका चार्ज जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको वहां पर अपना स्टेट डाल देना है, आपको डिस्ट्रिक्ट यहां पर कर देना है, तो साउथ वेस्ट में हम लोग आते हैं तो हमने साउथ वेस्ट कर दिया। ठीक है, आप यहां पर पिन कोड नंबर लिख देते, मैं यहां पर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं पिन कोड नंबर में, हमने ये साथियों 1110075 मैंने पिन कोड नंबर डाल दिया। अपना एक मेल आईडी जो आपको रजिस्टर्ड मेल आईडी हो वो डालना है, ठीक है, जैसे डॉक्टर लोकेश बाली @gmail.com मैंने डाल दिया, आपको उस तरीके से यहां पर डालना है। प्यारे साथियों मैं फोन नंबर डाल रहा हूं, भाई अगर गलती से आपको दिख जाए तो मुझे कॉल मत करना यार, बड़े भाइयों इतनी सी कृपा कर देना, क्योंकि मैं परेशान हो गया हूं, एक दो नंबर मेरे दिख गए थे गलती से, तो 93, क्योंकि यार लाख हजारों की संख्या में कॉल आते हैं, जब आप समझ सकते हो ना आपकी मदद, और यहां पर नंबर ओरिजिनल डालना जरूरी है क्योंकि ओटीपी आएगा, इसलिए थोड़ा सा यार ध्यान रखना। ठीक है, नंबर मैंने फिल कर दिए हैं, अब आपको अगर सेम एड्रेस है ये वाला तो सेम पर क्लिक कर दीजिए, अगर कोई परमानेंट कोई एड्रेस दूसरा है तो वो कर दीजिए, सब मेरा परमानेंट एड्रेस सेम है तो मैंने सेम कर दिया यहां पर, तो सारी डिटेल यहां पर ऑटोमेटिक आपकी फिल हो जाएंगी। ध्यान रखना अगर आपका ये एड्रेस अलग है, ये एड्रेस अलग, परमानेंट एड्रेस आपका गांव वाला भरना। ओके, अब आपको पासवर्ड बना ले, अब पासवर्ड में क्या रखना है, इधर देखिए 8 से लेकर 13 शब्दों के बीच में आपको पासवर्ड लगाना है, एक शब्द आपको बड़ा रखना है ना, एक शब्द आपको छोटा रखना है, मतलब कम से कम एक एक तो होना ही चाहिए, फिर बीच में कुछ एट वेट होना चाहिए, जैसे कि मैं एक पासवर्ड बना लेता हूं, जैसे इधर देखिए मैं एक पासवर्ड बनाता हूं, एल बड़ा, एल एल कैपिटल, फिर उसके बाद में एल ओ के ई एस एच लॉकेज बना लिया, एट लगा दिया और 2021 मैंने लगा दिया। ओके, इस तरीके से आप यहां पासवर्ड बना सकते हो, या फिर लगा दो एल बड़ा ओ के ई एस एच एट 2021, अब हमारा पासवर्ड एकदम कंफर्म आ गया। आप पासवर्ड में कोई हिंट भी दे सकते हो, और फर्स्ट स्कूल यानी आपका पेट नेम कोई हो, जैसे आपका फर्स्ट फेवरेट बुक हो, जो मेरी फेवरेट बुक मान लो मैंने लिख दी पापा, आपको कुछ जैसे क्या लिख दिया, सबसे अच्छी किताब भी पापा ही होते हैं, जैसे मैंने पापा लिख दी, आप भी अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो। उसके बाद में एक कैप्चा आपको फिल करना है साथियों, जी हाँ साथियों, जो आपको कैप्चा दिख रहा है ये आपको फिल करना है, कैपिटल का ओ 8D59। ओके, मैं यहां पर सबमिट पर क्लिक कर रहा हूं प्यारे साथियों, चलिए देखो फाइनल सबमिट मेरा यहां पर हो गया है। यहां पर मुझे क्लोज करने के बाद में हमको एग्री पर क्लिक करना है, और एक बार हमारी सभी डिटेल को हमको फिर से देख लेना है कि आपने सारी डिटेल जो भरी हैं क्या हमारी करेक्ट हैं, क्या वो डिटेल सभी करेक्ट हैं, अगर हां तो बस आपको यहां पर भी आपको क्लिक करना है, इसका मतलब क्या है, ये सारी डिटेल मेरी सही है, तो मैं यहां पर भाई साहब क्लिक 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 कर दूंगा, नीचे आई एग्री पर क्लिक कर दूंगा, और उसके बाद में फाइनल सबमिट पर हम दबा देंगे, क्या कर देंगे साथियों, फाइनल सबमिट पर हम क्लिक करके यस कर देंगे। तो इतना काम अब तक हमारा हो चुका है नेट के फॉर्म को भरते टाइम। ओके, तो अब एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है, और मेरे पास मैसेज भी आ गया है मेरे मोबाइल में, स्टेप कंप्लीट हो गया है, और अब मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर साथियों दिख रहे होंगे, ये हमारे क्या है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो इस पर फिर से हम क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अगले स्टेप की तरफ बढ़ जाते हैं, बड़ा ही आसान है, चिंता मत करो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं। ओके, तो जो हमने नाम गांव पहले भरे थे यहां पर आ गए हैं साथियों, बस आपको दोबारा से इंडियन नेशनल करना है, आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अगर आप एसटी एससी ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो भी हैं आपको यहां पर भर देना है, तो मैं जनरल कैटेगरी आधार पर चल रहा हूं, तो मैंने जनरल यहां पर फिल कर दिया है, आप अपनी कैटेगरी को यहां पर फिल कर दीजिए साथियों। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आते हैं, तो यस कर दीजिए, अन्यथा नो कर दीजिए, तो यहां पर साथियों नो कर देते हैं। यहां पर आपसे एनुअल इनकम पूछी जा रही है कि एनुअल इनकम फॉर पेरेंट्स की आपकी एनुअल इनकम क्या होगी, तो आपके माता पिता की एनुअल इनकम क्या है, तो वो आप देख लीजिए, मोर देन 6 लाख से ज्यादा है या फिर 2 लाख के आसपास है,
या फिर 50,000 से भी कम है आप, अपने अंदाजे से आप जो भी आपको आइडिया है कि इनकम कितनी है, तो मैं यहां पर भर देता हूं 50,000 से 2,00,000 के बीच में सालाना इनकम ज्यादातर विद्यार्थियों की मिलती है गांव देहात में। तो ये सब चीजें हमने यहां पर डाल। उसके बाद में क्या माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं कहूंगा नहीं। ओके, आप अपने हिसाब से देख लेना। ओके, सब्जेक्ट नेम इन पोस्ट ग्रेजुएशन, भाई साहब यहां से डिसाइड होगा कि आप नेट किस तरीके से नेट को भरने वाले हैं, नेट पर काम करने वाले हैं। तो यहां से आपको क्या है साथियों, यहां से आपको क्या करना है, आपको यहां से आपका सब्जेक्ट चुन लेना है। जैसे कि मैं यहां पर चुन लेता हूं साथियों हिंदी साहित्य। आप किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो आप यहां पर चुनते हैं। प्यारे साथियों मैं आपको पूरा पेपर वन भी पढ़ाता हूं और पेपर टू भी पढ़ाता हूं। आपका कोई भी पेपर हो, हिंदी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबकी हम लोग तैयारी करवाते हैं। तो चाहो तो जुड़ सकते हो हमारे साथ। कैसे जुड़ेंगे, मेरी क्लासेज होती है अनअकैडमी पर, तो अनअकैडमी पर ये रेफरल कोड दिख रहा होगा, इस कोड को लगा लेना, 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और ये मेरी प्रोफाइल है डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, जाके फॉलो करो और मैं आपको सारी चीजें कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आपको अप्लाई किसमें करना है, देखो अगर आपकी उम्र 31 साल से ज्यादा है तो आप केवल नेट में अप्लाई करो, और अगर आपकी 31 साल से कम है तो मैं कहूंगा नेट और जेआरएफ दोनों में अप्लाई करना। आई रिपीट, नेट और जेआरएफ दोनों में अप्लाई करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, नेट और जेआरएफ दोनों में, यानी जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को यहां पर क्लिक करना है। अगर आप इस समय एमए कर रहे हैं तो भी यही फॉर्म भरना है, या एमए कर चुके हैं तो भी, यानी अपेयरिंग वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, अब आप किस सब्जेक्ट से करना चाहोगे भाई साहब नेट, तो मैंने थोड़ी देर पहले किया था हिंदी, तो आपको सेम सब्जेक्ट जो आपका एमए जिस सब्जेक्ट से किया है उसको यहां पर डाल देना है। उसके बाद में बड़े भाई आपको यहां पर क्या करना है, आपको सेंटर सेलेक्ट करना है, और मैं कहूंगा कि आप जहां पर आप रहते हो देश के किसी भी हिस्से में उसके नजदीक जो आपका सेंटर पड़ता है वहीं पर आपको सेंटर भरना है। पूरे भारतवर्ष में एक जैसा पेपर आने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम लगेगी, ध्यान रखना। तो जैसे मैं रहता हूं दिल्ली में, मान लो तो मैंने दिल्ली भर दिया, ठीक है, आपको चार च्वाइस देना है प्यारे साथियों, दिल्ली में भर दिया और दिल्ली में कौन सी जगह ये भी भर दी। उसके बाद में मैं आपको पता है साथियों दिल्ली के आसपास हरियाणा पड़ता है, मालूम है हरियाणा कर दिया, तो हरियाणा मेरे आसपास देख लेता हूं कौन से सिटी है जो दिल्ली के नजदीक पड़े, गुड़गांव पड़ता है नजदीक, तो गुड़गांव कर दिया। जैसे मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो मान लो कि हमने राजस्थान कर दिया, आप अपने नियर बाय कर लेना भाई, मैं तो सुविधा के अनुसार देख रहा हूं। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश, यूपी कर दिया, दिल्ली का यूपी का भी नोएडा कर लेते हैं, चलो दिल्ली के आसपास का इलाका आ जाएगा नोएडा, जहां पर नोएडा में भी सेंटर यहाँ के होने वाले हैं। तो इस तरह से चार आपको आपको इस तरह से आपके सुविधा के अनुसार कह सकते हो डिटेल्ड यहां पर भरनी है। ओके, दिल्ली तो मैंने ऑलरेडी भर दिया है, तो दिल्ली को हटाकर हम भर देंगे कोई और क्षेत्र, जैसे राजस्थान भर देते हैं। तो वैसे राजस्थान मान लो मैंने कोटा लगा दिया, अब हमारे चारों सेंटर आ गए, इस चीज को आप ध्यान रखना। वैसे करेक्शन भी कर सकते हो बाद में भी, दो दिन का, दो चार दिन बाद में, लेकिन आप इस चीज को देख लीजिए, कर देख लिया। उसके बाद में आपको डिटेल भरनी है। इधर देखिए, अगर आपने एमए पास कर लिया है तो पास सेलेक्ट करना है, अगर आप इस समय एमए कर रहे हो, रिपीट कर रहा हूं फिर से, तो भी आप नेट का फॉर्म भर सकते हो। अगर आप इस समय कर रहे हो तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना है, फिर से बता देता हूं, इस समय आप कर रहे हो, चाहे आप सेकंड सेम में हो, चाहे थर्ड सेम में हो, कोई भी सेम में हो, अगर आप कर रहे हो तो अपेयरिंग डालो, अगर आपने कर लिया है तो आपको पास डालना है। जैसे अपेयरिंग डालने वाले तो आपने कब पास किया, फर्स्ट ईयर ये डाल लेते हैं, और आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी का क्या कोर्स का नेम क्या ये डाल देते हैं, है ना, ये सब आपको यहां से चीजें डालनी है। लेकिन मान लो अगर आपने पास कर रखा है तो हम पास पर चले जाएंगे और पास को क्लिक यहां पर कर देंगे। उसके बाद में कब पास किया आपने वो डाल दो, जैसे किसी ने मान लो 2020 में किया हो, अंदाजे लगा लो यार, जैसे 2020 में किसी ने किया है, कोर्स का नाम क्या है, आपने एमएससी किया है, एमकॉम किया है, एमए किया, क्या किया है आपने, तो मैं मान लो एमए किया है, ठीक, अपने कोर्स का नाम है, आपको ऐसे सेलेक्ट करना है, कहां से किया है, भारतवर्ष से किया है, किस स्टेट से किया है, इस चीज को सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं मैंने दिल्ली से किया है, तो मैंने दिल्ली सेलेक्ट कर लिया, सिंपल। उसके बाद में बोर्ड का नाम करना है कि आपको कौन से बोर्ड में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में करंट किया है, कहां से किया है आपको, जैसे कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने ये सब काम किया है, तो ये चीज हमको यहां पर जामिया, डीयू, आपने किस में से किया साथियों, आप इसको देख सकते हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली मान लो, तो मैंने यहां पर भर दिया है, आप अपने अनुसार इसमें भर सकते हो। रिजल्ट मोड क्या है,
परसेंटेज आया है या क्या बनाया है आपका, इसको भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मान लो मैं परसेंटेज लगा लेता हूँ, एक अंदाज लगा लेता हूँ, भाई साहब मेरे यहाँ पर पेपर होता है 1800 का टोटल होता है और मेरे मान लो यहाँ 1800 में से 1100 नंबर आए, कितना आए साथियों, मेरे नंबर आए 1200, 1800 में से कितना आए 1200, तो यहाँ पर मेरी परसेंटेज निकल कर आ जाएंगी। आप भी अपने अनुसार यहाँ चीजें डाल देना। इसके बाद में क्या है साथियों, आप क्या डॉक्टर स्टूडेंट है, नहीं, अपने बारे में यह नौ कर देना यहाँ पर। अब एमफिल के बारे में पूछ रहे कि आप लोग अपने एमफिल कर रखा है, देखो अगर आपने पीएचडी कर रखा है तो यस कर देना भाई साहब, मैं फिर से कह रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने नहीं कर रखा होगा। और या फिर अगर आप लोगों ने क्या है साथियों, अगर आप लोगों ने क्या कर रखा है, रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है आपका एमफिल में, अगर कुछ भी नहीं है तो इसको आप ब्लैंक यहां छोड़ सकते हो, नो कर सकते हो। अगर आपने कर रखा है तो एमफिल के बच्चे ऑटोमेटिक जानते होंगे कि उनको क्या करना है। ओके, तो सब में आप यहां पर नो नो करते हुए चले जाइएगा। तो हमने सब पर यहां पर कर दिया नो 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 नो। अब हमारे पास फिर से कैप्चा आ गया है, तो हम इस कैप्चा को फिर से फिल कर देते हैं। कर दिया हमने कैप्चा फिल, और भाई साहब हम कर देते हैं सबमिट पर क्लिक। और बड़े भाई आपका सबमिट यहां पर डेट ऑफ बर्थ की वजह से, डेट ऑफ बर्थ और मैं थोड़ा सा गड़बड़ डाल दी क्या, खाली तो नहीं छोड़ दिया कुछ, एक एक 90, एक सेकंड, हाँ हाँ वो जेआरएफ की कैटेगरी को लैप्स कर गया होगा ना, हाँ, एक एक 95 मतलब डेट ऑफ बर्थ में थोड़ी चेंज कर दी है, और अब हम साथियों यहां पर सबमिट कर देंगे। तो बड़े भाई हमारा यहां पर सबमिट हो चुका है, एक बार फिर से पूरी डिटेल को रिचेक कर लीजिए आप। कर लिया पूरी डिटेल चेक, पूरी डिटेल चेक कर ली साथियों, ओके कर ली, सब कुछ ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर आपका ठीक है तो क्लिक बाई क्लिक 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 कर दीजिए सबको यहां पर, और उसके बाद में एग्री कर दीजिए, और उसके बाद में फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। तो यस पर हमने कर दिया क्लिक। अब बड़े भाई हमारे तीन चीज हो गई, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिए हैं, अब हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड यहां से करने हैं, यानी कि हमारे फोटोग्राफ्स वगैरह अपलोड यहां पर करने हैं। तो यहां पर अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर हम क्या करेंगे साथियों, क्लिक हम यहां पर कर देंगे, क्या कर देंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देंगे। आपको मेक श्योर करना है आपके फोटोग्राफ की साइज 200 केबी होनी चाहिए और साइन की साइज 300 केबी के आसपास होनी चाहिए। चलिए मैं कोई भी फोटो, ठीक है साथियों फोटो लगा दिए मैंने, तो साथियों फोटो लग चुके हैं, एक बार इनको फिर से चेक कर लीजिएगा कि ठीक लगे कि नहीं लगे। तो ये हमने टिक कर दिया, मैं तो ऐसे ही लगाए हैं डेमो के लिए, तो हमने साथियों इनको टिक कर लिया है। और उसके बाद में कैप्चे को दोबारा फिल करना है, इस कैप्चे को दोबारा फिल करना है 26KE07। कर लिया आपने पूरी चीजें डिटेल देख ली, उसके बाद में आपको यहां पर क्लिक करना है और उसके बाद में आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। तो साथियों हमारा यहां पर द ऑल सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली, और ओके पर हम क्लिक कर देंगे। तो यहां तक का काम हमारा अब तक कंप्लीट प्यारे साथियों हो चुका है। अब हमारा लास्ट फाइनल स्टेप है और वो है साथियों हमारी फीस को पे करना। तो यहां पर क्लिक करेंगे, अगर कोई भी प्रकार का एडिट करना है, आपको कुछ भी गलती हो गई है, तो इन दो रेड बॉक्स पर क्लिक करके कर सकते हो। अगर आपको लगता है मैंने सब कुछ ठीक बनाया है तो पे एग्जामिनेशन फी पर आप क्लिक कर देना। कर दिया, उसके बाद में आपको ऑनलाइन पेमेंट करने का मोड मिलेगा, तो क्लिक करना है ऑनलाइन पर, प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है आपको, उसके बाद में आपकी फीस यहां पर दिखाई देगी। प्यारे साथियों अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 1000 रुपए, अगर आप ओबीसी वगैरह से हैं तो आपको जैसे वीडियो के प्रारंभ में बताया था 500 रुपए, एसटीएससी 200-250 रुपए लग रहे हैं साथियों। यहां पर आप कोई भी पेमेंट का आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं, किस भी तरीके से आप पेमेंट, चाहे आप एटीएम कार्ड से करोगे तो ऊपर वाले पर क्लिक करना, एटीएम कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, तो मुझे लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट ये ऊपर वाला ही होने वाला है। यहां पर क्लिक करना है, आप देख लीजिए अपने अनुसार और प्रोसीड पर क्लिक कर देना। उसके बाद में साथियों आप यहां पर देख लेना आप किस तरीके से करना चाहो, अगर यूपीआई वगैरह से करना चाहो, फोन पे वगैरह से, तो आप यहां पर क्लिक करके आप ये सब कर सकते हो। ओके साथियों, तो आपको यहां पर 1000 पर कंफर्म पर क्लिक करके पेमेंट कर देना है, और इस तरीके से आपका बहुत ही आसान तरीके से एनटीए यूजीसी नेट का फॉर्म भरा दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जेआरएफ तांडव सीरीज में जुड़ना मत भूलना, 10 बजे और 12 बजे हिंदी साहित्य की क्लास होती है निःशुल्क, आप उनका हिस्सा बन सकते हो।
और इसके अलावा साथियों हमारे अनअकैडमी पर फ्री के अलावा पेड जो सब्सक्रिप्शन है उसको ज्वाइन कर सकते हो। लॉकेस 11 कोड का प्रयोग करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, साथ ही पेपर वन और पेपर टू वहां पर कंप्लीट आपका हो जाएगा। ये हमारा ऐप है, डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो और उसके बाद में नए नए कोर्सेज मेरे चल रहे हैं साथियों। देखो रिसर्च का मैंने अभी शुरुआत किया है इसका, दो दिन पहले ही 11 अगस्त से शुरुआत हुई है इसकी। तो रिसर्च में नेट के साथ साथ मैं पीएचडी के लिए भी आपको बताने वाला हूं, तो ये सब काम कर लेना। एक तो ये हो गया। हिंदी साहित्य के स्टूडेंटों के लिए मैंने 2020 के जितने भी पारियों में एग्जाम लगी हैं उनके लिए भी मैंने एक कोर्स लेकर आ गया हूं, इसको भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट है जिनकी हम लोग तैयारी करवाते हैं, इनमें से अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका है तो आप ज्वाइन कर लीजिए प्लस सब्सक्रिप्शन। प्यारे साथियों ये हमारा ऐप है, डाउनलोड कर लेना और वहां पर आपको आइकॉनिक और प्लस दो प्रकार के सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों आपको क्या है, यहां पर लॉकेस 11 रेफरल कोड का प्रयोग करना पड़ेगा, रिडीम कर लेना, डेबिट कार्ड ईएमआई यूपीआई से पेमेंट हो जाएगा और 12 महीने का कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, 12 महीने 6 महीने। ये हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लस के सारे लाभ मिलेंगे, ऊपर से आपको पर्सनल कोर्स देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, तो कई एडिशनल चीजें मिलेंगी। तो लॉकेस 11 कोड का प्रयोग आपको यहां पर भी करना है। ठीक है साथियों, इसके अलावा बहुत सारे और भी टीचर्स हैं जिनकी भी क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, उनकी भी क्लासेज आप देख सकते हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।